दोस्तों नमस्कार। आज की सुबह की नमस्ते आप सभी लोगों को। आज की वीडियो की शुरुआत मेरे से हो रही है, राहुल की मम्मी से। आप लोग सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आप लोग जो भी है देखेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वीडियो की शुरुआत कैसे कर रखी है। बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की जो वीडियो की शुरुआत थी ना दोस्तों, वो कर दी है हमारी माता जी ने और बड़ी तगड़ी शुरुआत करी है। तो चलिए हम भी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे प्यारे से गाँव एरोली से, जहाँ से मैं आपके लिए प्यारा सा व्लॉग बना रहा हूँ। और माँ लग गए हैं दोस्तों अपने काम पे, यानी सिलाई वाले काम पे, और मैं भी निकल गया हूँ दोस्तों अपने काम पे, यानी मेरा काम एक ही रहता है दोस्तों। यहाँ देखो इतने सारे कपड़े हैं ना, ये सारे कपड़े धोने हैं और इनको भी मैं आराम आराम से धोऊंगा, क्योंकि हाथ वैसे भी दर्द ही हो रहा है। मतलब हाथ दर्द हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, मैं धोने तो है ही, क्यों धोएगा यार, खुद ही धोने पड़ते हैं मेरे को। बाकी कल की वीडियो में आपने दोस्तों जागर वगैरह देखे और आज दोस्तों पूजा वगैरह है, यानी जो काली माँ है ना, तो उनके लिए वो मंदिर वगैरह बनाएंगे, यानी सुमित भाई, यानी जो पूजा हो रही है ना, जो आपने कल देखे जागर, कल जागर थे और आज वो काली माँ के लिए स्थान वगैरह रखेंगे। तो इसलिए देखो सारे लोग निकल गए हैं बढ़िया से उसी स्थान पे जहाँ पे मंदिर वगैरह बनेगी। तो मंदिर वगैरह का निर्माण किया जाएगा और वहाँ पे पूजा वगैरह भी चलेगी, तो वहीं के लिए निकल गए हैं। वो निकल गए थे दोस्तों सुबह के ठीक 9 बजे और अभी 10 बजे का टाइम हो गया है और मैं लगा हुआ था दोस्तों वीडियो एडिटिंग के काम पे, तो थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग का काम बचा हुआ था तो मैं उसी को निपटाने पे लगा हुआ था, इसलिए मैं सुबह से नहीं निकला। बट अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, यानी पंदेरा साइड, तो उसी साइड दोस्तों वो स्थान है, तो क्या पता वहाँ जाना हो, अगर चल रहा होगा तो देखते हैं, आपको दिखाते हैं थोड़ी बहुत झलकिया, और अगर नहीं चल रहा होगा तो अपना काम तो हमें करना ही है, मतलब अपना काम निपटाते हैं। और पूजा चल रही है दोस्तों ठीक इस साइड देखो यहाँ पे, और लगभग लगभग पूजा भी कंप्लीट होने ही वाली है, मतलब हो ही गया है लगभग लगभग। और ये है हमारे गांव के कुछ दर्शक, यानी हमारे ताई जी लोग, और यहीं से पूजा का आनंद ले रहे थे, बल हम वहां नहीं गए, बल यहीं से देख रहे हैं। बल चलो देखते रहो तब, ठीक ठीक। फिलहाल दोस्तों मैं भी पहुंच गया हूँ बढ़िया से पंजरे में और बल्टी भी लगा दी मैंने, तो जल्दी से कपड़े वगैरह धोता हूँ। मैं भाई दोस्तों ये है सुमित भाई, तो हो गई ना सुमित भाई पूजा बढ़िया से? हो गई बढ़िया। तुम तो बिल्कुल जोश में घूम रहे हो भाई, क्या क्या बात है। अरे ना यार मेरे बाल जल्दी चल लेते हैं, हम काम भी करें। बिल्कुल बिल्कुल, काम वगैरह भी देखना है, होगी ना बढ़िया से? एकदम परफेक्ट, बिल्कुल होनी चाहिए यार। ओ सुनी देवी, ओ मेरु मोर हे मां, सब खुदेणी भली, खुदेणी भली, सब की जानी भली। तो आ गए हैं भाई दोस्तों सभी ताई लोग, सब आ गए भाई दोस्तों पूजा वगैरह करके। जब मेरे बार आता तो वीडियो नहीं बना है। और क्या? अरे यार आप रात को क्यों नहीं आए? सुबह तो आए थे, हम आके देखे। नाज़ेज, नाज़ेज। अच्छा हो गई ना पूजा बढ़िया से? बिल्कुल बढ़िया बात है। फिर गाना लगे तो गाना लगे तुला शाम होगा तो नजला अरे चलिए भाई दोस्तों, एक घंटे के ना कड़ी मेहनत के बाद, मतलब लग गए थे एक घंटे से, और फाइनली कपड़े मैंने धो लिए हैं, फिलहाल यहाँ पर रखे हैं देखो मैंने कपड़े। अरुण आ गया था दोस्तों, तो अरुण भी अपने कपड़े धो रहा है स्कूल के, आज स्कूल नहीं गया ये लौंडा। स्कूल क्यों नहीं गया भाई? वैसे ही क्यों, कोई कारण नहीं? कोई कारण नहीं है, कपड़े धोने थे। अच्छा कपड़े धोने दो, बल तो कपड़े कल भी धो सकता था स्कूल के। कल कहीं जाने का प्लान? अच्छा आज ही धो दिए भाई दोस्तों कपड़े, चलो बढ़िया है। ओ ठंडी धार, पानी की छलार, हे मां। तो अभी दोस्तों बढ़िया से घर भी पहुंच गया हूँ, बाकी माँ को दे दिया है मैंने अपना काम। माँ जा रही है मेरे कपड़े सुखाने के लिए, धो के मैं लाया, सुखाना आपका काम है। कैसा और मेरी माँ ना आराम से लेटी हुई थी और मैंने उठाया, मैंने कहा माँ यार कर दे यार प्लीज, मेरे को बहुत थकान लग गई यार। किसी ने किसी के डेबरी के बाल काटने थे ना डेबरी, वो बाल ऊन बनाने के लिए होते वो डेबरी। अच्छा ऊन निकाल रहा था। हाँ डेबरी को पर सारा मूंग दिया उसने, लेकिन
पूछ पे थोड़ा दूर बाल रह गए थे और उसमें कट लग गया होगा तो ढेबरी ढेबरी उतर गई होगी। तो ये वाली कहावत मार रही है मेरी माँ। ढेबरी हुआ ना अरट करने लग गई कि वाह मुझे काट दिया। और पहले से पूरा मुंड दिया था। खतरनाक। होली की बयार मैलो की भगवान मैलो की भगवान बारह सगरान हे मां ओ ठंडी धार पानी की छलार। आगे भाई दोस्तों ठीक शाम के ना 5 बजे का टाइम हो चुका है और मैं आ गया हूँ अपने गांव के दूसरे खाल की तरफ। इस वाले खाल से ना दोस्तों धूप काफ़ी लेट जाती है तो अभी तक यहाँ से धूप वगैरह नहीं गई, बट हमारे खाल तो ऐसा हो जाता ना बिल्कुल शाम जैसा, मतलब धूप वगैरह चली जाती है जल्दी इस साइड को। मतलब तो हमारी छोटी बहन है ना दोस्तों वो मायके वगैरह आ रखी है तो उनके घर में ना आज कीर्तन वगैरह भी हैं, तो अभी वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा मेला संगीत। मिलिए भाई दोस्तों हमारी छोटी बहन से और आज हमने मायके वगैरह आ रखी है, तो मायके वगैरह आई पहली बार छोटे बच्चे को लेके आई तो इसलिए कीर्तन वगैरह करा रही है हमारी नानी जी। क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक है। बढ़िया है ना? तो कीर्तन वगैरह में है। बिल्कुल बिल्कुल माता रानी की कृपा इन पे बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल बाकी क्या कर से धन्यवाद आपका। बिल्कुल बिल्कुल तो आप यहाँ आए ऐसा मत बोलो यार, तुम तो हमारे पूरे गांव में छा रखे हो। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बाकी भाजी से मिले, भाजी क्या हाल चाल है? बढ़िया है ना, लगे रहो तब है। और छोटे बच्चे का नाम क्या है? आदित्य। हाय आदित्य। मामा तो अभी 10 महीने का है दोस्तों आदित्य। आदित्य भाई दोस्तों सुजल भाई से मिले, सुजल भाई जी क्या हाल चाल है? बस भाई बड़े। तो दीदी घर आ रखी है तो कैसी फीलिंग है तब? अच्छी है फीलिंग अभी तक तो। अच्छी है ना? अच्छी रहनी चाहिए। बाकी भाई जी आप बताइए आपको हमारा गांव कैसे लग रहा है तब? बड़े लग रहा है ना, मजा आ रहा है? बिल्कुल। साथ ही में भाई दोस्तों आप मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी कीर्तन मंडली के पास, यानी अभी देखो अपना पूरा मेला मंगल दो है ना वो बड़े से कीर्तन वगैरह गा ही रहा है। दादी जी बोल रहे हैं बोल यहाँ पे बैठो, ये दादी जी आपकी सीट है, आप बैठो आप बैठो। फिलहाल भाई दोस्तों माइक सिस्टम भी आ गया है यानी अपना मिनी डीजे, तो अभी इसको लगाते हैं। ये तीन लोग जो है ना ये कीर्तनों में भी कंफ्यूज हो रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं और कौन सा कीर्तन गाया जाए। मतलब तो यही हमारे गांव के मेन मेन गायक हैं दोस्तों, ये दोनों चाची हमारी सुपर हिट गायक बिल्कुल है? और साथ ही में भाई दोस्तों एक और ब्लॉगर से मिलिए, यहाँ देखो नोकिया 1200 में उसकी ब्लॉगिंग चल रही है। अब नोकिया 1200 होगा कि एयरटेल वगैरह का होगा, और बहुत तगड़ी ब्लॉगिंग चल रही है भाई। यहाँ देखो दोस्तों ये वाला जो कैमरा है ना बड़ा खतरनाक सा कैमरा है, ये कैमरा ही कभी यूज किए जाते थे बिल्कुल। ये देखो भाई दोस्तों वाह। हेलो 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 हैंग हो गया वो।
आदि में दोस्तों कीर्तन वगैरह तो चल ही रहे हैं, बट प्रसाद बांटने का टाइम भी हो गया है, तो चाची भी लगी है बढ़िया से। देखो सबको प्रसाद वगैरह बांटने पे प्रसाद वगैरह दिया जा रहा है, तो प्रसाद वगैरह ग्रहण करते हैं दोस्तों हम भी। जय हो जय हो। तो एक तरफ से दोस्तों चाची बांट रही है, एक तरफ से ताई जी बांट रही है सभी को प्रसाद वगैरह। दोस्तों हो चुका है प्रसाद वगैरह वितरण सभी लोगों को, और कीर्तन वगैरह भी बढ़िया से समाप्त हो गए हैं। भाई दोस्तों काफी मोटा पैसा हो गया हमारी सिस्टर के पास, कितना हुआ था? 20,000 हो गए। बल चलो बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। पैसे आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। चलो तुम बिटोलते जाओ, तुम बिटोलते जाओ, लगातार आते जा रहे हैं भाई दोस्तों। दोस्तों कीर्तन वगैरह तो हो गए हैं, बट अब लास्ट में सबका एंजॉय वगैरह चल रहा है, सभी गाने वगैरह गा रहे हैं, ढोलकी वगैरह बजा रहे हैं और सभी एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल हम तो छत में आ गए थे। आदि में भाई दोस्तों मिलिए लक्ष्मी से। लक्ष्मी क्या हाल है? कुछ नहीं, ठीक हो? क्या कर रहे हो? ठंडा पी रहे हो? किसने दिया? उसने उसने, अच्छा चलो बढ़िया है। पी लिया सारा? कितना पिया? जरा पिया कि ज्यादा पिया? कम पिया कि ज्यादा पिया? बता, कम पिया? अरे यार ज्यादा पी फिर। कीर्तन वगैरह से भी आ गए हैं दोस्तों, और बड़ा सही लगता है जब सभी लोग ना साथ में रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बाकी अपनी गैंग रहती तो और बढ़िया था, पर चलो कोई बात नहीं।